नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशियोलॉजी में। दोस्तों, साल प्रारंभ हो चुका है, जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और जनवरी के महीने में पड़ने वाले पहले त्योहारों में अगर हम बात की जाए तो खिचड़ी का त्यौहार, जिसे लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का यह पर्व आने वाला है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक मुख्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश भर में मकर संक्रांति के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदुओं के लिए एक अच्छा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करने से यह उनके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन होने लगता है, इसके बाद ही बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। आपको बता दें, इस दिन देश भर में अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। मकर संक्रांति को लोहड़ा, उत्तरायण, खिचड़ी, टहरी, पोंगल आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने की परंपरा है। इस दिन खिचड़ी खाने का भी बहुत महत्व बनाया गया है। दोस्तों, हर बार, वैसे तो मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन ग्रहों की फेरबदल के चलते कई बार यह त्यौहार 15 जनवरी को पड़ जाती है। इस साल मकर संक्रांति को डेट को लेकर के लोगों में असमंजस की भावना बनी हुई है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में सूर्य शनिवार को 14 जनवरी शनिवार 14 जनवरी को रात में 8:21 पर धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, तो आप लोगों को अब कोई असमंजस नहीं रहना चाहिए, यानी मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।